हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि हरीशम क्लासेस सिग्नू। आप हमारे चैनल को काफ़ी प्यार देते हैं, काफ़ी सपोर्ट देते हैं और उम्मीद है आप आगे भी हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपको कहीं और भी एंटरटेन करना चाहती हूँ और स्पेशली आपकी मदद करना चाहती हूँ। देखिए, हम सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है और एक सोशल लाइफ भी होती है, एक काफ़ी पर्सनल लाइफ होती है जिसमें हम अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को किसी से कह भी नहीं सकते, बट हमें कुछ सजेशन चाहिए होता है। जिस तरीके से हम बाकी सारी चीज़ों की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें अपने रिश्तों की भी देखभाल करनी चाहिए। इमोशंस हर एक इंसान की वीकनेस भी हो सकती है और इसकी स्ट्रेंथ भी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो वैसे ही मैं आपके लिए कुछ वीडियोज़ लेके आती हूँ जो रेगुलर आती हैं और काफ़ी अच्छी और क्यूट क्यूट से वीडियोज़ हैं। काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया है। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पर आइए आरोही की एडवाइस द लव कर, और उसमें आपको काफ़ी सारी ये चीज़ें जानने को मिलेगी और देखने को मिलेगा कुछ हटके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इग्नू की तरफ से। इग्नू की जो पेपर है, एग्जामिनेशंस का पेपर है, वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर के कब से कब तक के करने चाहिए। तो जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है ना, आप समझ लीजिए कि वो आपका क्वेश्चन पेपर ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले कम से कम 10 साल का आप रिकॉर्ड देखें तो आपको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड पता चलेगा। आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि इग्नू में सिलेबस काफ़ी टाइम से नहीं बदला है, यानी कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बार बार सिर्फ वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले के जो सवाल होते हैं ना, जो क्वेश्चन होते हैं, वही आपके पेपर में रिपीट होते हैं। तो अगर आप कम से कम 2 या 3, अगर मैं 3 साल के कह लूँ, अगर आप पेपर रिपीट कर लेते हो अपने, तो आपको और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपके एग्जामिनेशंस क्लियर हो जाएंगे। कई बार तो ये देखा गया है कि जो पेपर आप दे के आते हो और आपका पेपर सेम टू सेम किसी साल का छप जाता है। तो इसी तरह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जो क्वेश्चन पेपर है उसे डाउनलोड कीजिए और देखिए कि आपको किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे रिसेंटली मैं आपको बता दूँ कि जो आपके क्वेश्चन पेपर आए हैं वो आपके जून 2022 के हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन जून 2020 में नहीं 2019 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, सेम वैसे ही सवाल इसमें से देखे गए हैं। जैसे कि मैंने देखा है, काफ़ी कॉमन से सवाल हैं जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप इसे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने का तरीका बहुत ईजी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्रीवियस ईयर पेपर में आना है आपको, जून दिसंबर किसी भी सेशन का सिलेक्ट कीजिए और आप देखिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। आप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिलेगी, आपको अपना कैटेगरी चूज़ करना है। जैसे कि बहुत सारे मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, सर्टिफिकेट, तो आपको उसी लिंक पे क्लिक करना है जिसमें आपका सब्जेक्ट है। जैसे अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट है, सोशल साइंस वाला, तो स्कूल ऑफ सोशल साइंस में उसे जाना चाहिए। उसके बाद आपकी सारी यहाँ जो अलग अलग कैटेगरी है, यानी कि मतलब डिग्रीज हैं, आपको अपना सब्जेक्ट प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हो वैसे ही आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, आपका भी सब्जेक्ट हो जाता है और पार्ट बाय पार्ट करके सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई रहती हैं। आपको ईजी हो जाएगा, सर्च करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। इसके बाद आपको जस्ट हाईलाइटेड लिंक पे क्लिक करना है और आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। एक मोस्ट बेनिफिशियल बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन आपको आपके एग्जामिनेशंस के टाइम देखने को मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। वहाँ होता है आपका टाइम, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स और शब्द। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि कितने शब्द में हम लिखें, तो आपको 500 शब्दों में, 400 शब्दों में, ये आपको डिसाइड करना है। देखिए, आपको जो पेपर मिलेगा, यानी जो इग्नू की जो आंसर शीट होती है, वो महज 25 से 26 पेजों की होती है। इससे ज़्यादा पेजेस आपको नहीं दिए जाते, ठीक है। तो 25 से 26 पेज में आपको किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है वो आप देखिए। आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अगर 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसे आप किस तरीके से करते हैं। इग्नू में मार्क्स कैसे नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट को, काफ़ी दफ़ा इग्नू के स्टूडेंट ये मुझसे कहते हैं कि मैंने अच्छे से सारी कॉपी को लिखा था फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिला, क्योंकि आपने गलत तरीके से पेपर को लिखा। कहने का मतलब है एग्जामिनर जो होता है वो आपके लिखने के तरीके को, आपकी शैली को चेक करता है कि आप कितना अच्छे से इसे सोच सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके इस काम को आसान करेगा नीरज बुक्स.com की तरफ से आपका
नीरज बुक, नीरज नीरज बुक जो है उसकी जो सैम्पल पेपर है और या फिर हम कह लें उसकी जो गाइड बुक है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे सबसे अच्छी बात इसकी क्या लगती है पता है, जैसे कि मैं आपको एक प्रीव्यू दिखाना चाहूँगी, जो इसमें जो है ना आपको सैम्पल पेपर मिल जाते हैं, कहने का मतलब अगर मैं बताऊँ तो आपको इसमें ना सैम्पल पेपर ईजिली आपको मिल जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको सैम्पल पेपर चैप्टर का जो है सैम्पल पेपर पहले से ही मिल जाता है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इनके जो लिखने की जो इनका चुनाव है कि कितने अलग तरीक़ों से इन्होंने लिखा है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन इस बुक की मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और यूजुअली स्टूडेंट करते क्या है ना, एक्सप्लेन करने के साथ डायग्राम नहीं बनाते, आप डायग्रामेटिक हुआ कीजिए, आप उसे शो कीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस तरीके से जब आप बीच बीच में छोटे छोटे डायग्राम बनाते हैं उसे हाईलाइट करते हैं ना, तो एग्जामिनर उसको देख कर आपको मार्क्स ज़्यादा देता है। ये कोई आपका मैथ का पेपर नहीं है, जैसे कि मैथ के स्टूडेंट हैं तो वो कि आपको वहाँ पे कैलकुलेशन चेक किया जाएगा, जहाँ तक कि थ्योरेटिकल जो पेपर होते हैं ना जिसमें आपको लिखना होता है उसमें वो चेक करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और आप जैसे ऑप्शन डाल के देखते लिखते हो, मुख्य बातों को यहाँ पे हाईलाइट करते हो, ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनर जो देख के नंबर देता है। तो यही सारी चीज़ें किस तरीके से आपको लिखनी चाहिए वो आपको इस नीरज बुक्स में मिल जाएगा, जिसमें सैम्पल पेपर भी इंक्लूड होते हैं। तो अभी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 50% का डिस्काउंट तो चल रहा है, कॉम्बो ऑफर्स भी है, 10% का एडिशनल डिस्काउंट में मिलेगा आपको मेरा कोड RESHAM रेशम यूज़ करने पर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिर कितने नंबर पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको 80% अगर ग्रेड वाइज मैं बात करूँ तो इग्नू में ग्रेडिंग सिस्टम भी है, ABCDE ग्रेड चलता है, जिसमें से 80%, 79%, 50% आप देख सकते हो। अगर आप इतने परसेंटेज मार्क्स लाते हो तो आपको ये ग्रेड मिलेगा। लेकिन उसी के साथ मैं बात करूँगी कि कितने नंबर में आपको कितना नंबर लाना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन ओवरऑल मैं बात करती हूँ, अगर आपको अपना ग्रेड कार्ड सही चाहिए, कुछ इस तरीके से कंप्लीटेड चाहिए, तो आपको अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा। मार्क्स कैलकुलेशन कुछ अलग ही होता है इग्नू में, जैसे कि आपको पता है आपको दोनों यानी थ्योरी और असाइनमेंट, थ्योरी का 70% वेजेट कैरी करता है, तो अच्छे से थ्योरी पेपर को ज़रूर लिखिए, लिखने के तरीके को आप चेंज कीजिए, वही आपको अच्छे मार्क्स दिला पाएगा। स्टूडेंट काफ़ी दफ़ा सिर्फ पेपर भर के आ जाते हैं, बट इग्नू काफ़ी अच्छे से पेपर्स को चेक करता है, आप अपने आंसर शीट को ऐसे भर के नहीं आ सकते। तो आप इन बातों का उम्मीद है ध्यान रखिएगा, और ये जो मेरी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन की टिप्स थी आपको काम आएंगी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारी आरोही की एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।